नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं शफाली। खबरों के विस्तार से पहले आइए संक्षेप पर डालते हैं एक नजर। गडरिया जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग को लेकर दर्जनों लोगों ने तहसील पर धरना प्रदर्शन किया। शामली तहसील पर धनकड़ जाति विशाल संगठन सहारनपुर के जिला अध्यक्ष राज सिंह धड़कन के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तहसील प्रशासन द्वारा गडरिया जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें पिछड़ा वर्ग का लाभ मिलता है, जबकि धनकड़ जाति को अनुसूचित जाति का लाभ मिलता है। बताया जाता है कि वर्ष 2005-06 में शामली तहसील से गडरिया जाति के लोगों को धनकड़ जाति के प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। बाद में तहसील प्रशासन ने उन्हें निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ गडरिया जाति हाई कोर्ट में चली गई। कोर्ट ने तहसील के आदेश पर निरस्त करते हुए पुनः जाँच के आदेश दिए। तहसील ने जाँच के लिए गडरिया जाति के धनकड़ होने की संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा, लेकिन अभी तक उन्हें साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए। मैं अरविंद धनकर, जिला अध्यक्ष धनकर समाज महासंघ की ओर से आज शामली तहसील के अंदर तहसीलदार साहब के आदेश के अनुसार हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, जिसमें इन्होंने हमारी जाति के कुछ सर्टिफिकेट निरस्त कर दिए थे। उसके संबंध में आज हमने एक परिप्रेक्ष्य मेमोरेंडम के तहत इन्हें दिया, जिसमें हमने SC ST आयोग की रिपोर्ट, मुजफ्फरनगर का गजट 1891 आदि संख्या की रिपोर्ट सारी प्रस्तुत कर दी है, जिसमें साबित होता है कि हमारी जो जाति है वो धनगर है और हम यहाँ के स्थायी निवासी हैं। इसलिए हमने शासन को यह कहा है कि हमारी जाति जो धनगर है, हमारी जाति के सर्टिफिकेट बनाए जाएं, अन्य जातियों के सर्टिफिकेट हमें नहीं दिए जाएं बिल्कुल भी, जो कि इन्होंने हमारा अधिकार वंचित किया हुआ है वो हमें संविधान के अनुरूप दें और संविधान की अवहेलना न करें। तहसीलदार साहब को हमने अपने कागज प्रस्तुत कर दिया, उन्होंने हमें 4 दिन का समय दिया है। हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए पूरा संघर्ष करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, सड़कें जाम करेंगे, जो हमारे से होगा अधिक से अधिक करेंगे। हमारे समाज के युवा, नौजवान, महिलाएं, बच्चे सब सड़कों पर आ जाएंगी और एक दिन हम सड़क यहाँ जाम करेंगे। नगर के तालाब रोड स्थित जैन धर्मशाला से श्री जी की रथ यात्रा बृहस्पतिवार को बैंड बाजों के साथ धूमधाम से नगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। ग्राम बुटराड़ा के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ प्रधान द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के विरोध में शिक्षकों ने गुरुवार को शामली तहसील पर धरना प्रदर्शन किया। उपजिलाधिकारी ने 2 दिन में आरोपी प्रधान के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया है। प्रधानाध्यापक ने 2 दिन में कार्यवाही न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। बाबरी थाना क्षेत्र के गाँव बुटराड़ा के प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 के प्रधानाचार्य जयविंद्र कुमार के साथ ग्राम प्रधान द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के विरोध में गुरुवार को शामली तहसील पर शिक्षकों ने धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष जयप्रकाश बालियान ने कहा कि शिक्षक के साथ प्रधान द्वारा किया गया अभद्र व्यवहार अशोभनीय है। उन्होंने आरोपी प्रधान के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। बाद में शिक्षकों को उप जिलाधिकारी उदय सिंह को ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। उप जिलाधिकारी ने आरोपी के खिलाफ 2 दिन में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। प्रधानाध्यापक जयविंदर कुमार ने चेतावनी दी है कि 2 दिन में कार्यवाही न हुई तो वह आत्मदाह करेगा। उसके साथ धक्का मुक्की की
और जब जैव ईंधन ने थाने में रिपोर्ट लिख कर देखा तो उसके 15 दिन बाद संगठन का दबाव बढ़ने के बाद में जब उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई 12 तारीख में हम SDM और CO या शामली से मिले, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन के सिवा और कोई बात नहीं कही। हमने उन्हें चेतावनी दे दी थी कि अगर 15 तारीख तक इस कार्रवाई नहीं हुई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो हम 15 तारीख से यहाँ तहसील स्तर पर धरना देंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम 15 तारीख से वहाँ धरने पर कल CO और SDM दोबारा आए और उन्होंने आश्वासन दिया प्रधान को गिरफ्तार करने का, लेकिन उन्होंने आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं की। और हमारा निर्णय है कि जब तक एक प्रधान अरेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। और हम अपने ये CD और ये जो हमारे साथ दुर्घटना हुई है उसको हम गृह मंत्रालय दिल्ली तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और हमने आज मेरे SDM साहब को बता दिया कि अगर कल तक इस पर कार्रवाई नहीं होती तो हम आगे की कार्रवाई में अनशन आमरण अनशन तक पीछे नहीं। News 7 में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, देखते रहिए News 7। प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम, HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया सेंटर के ऑथराइज्ड जैन कंप्यूटर होम, फर्स्ट फ्लोर कैलाना रोड शामली, सेल काउंटर नंबर 9412127369837017736, 9837017736। सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। ब्रेक के बाद News 7 में आपका स्वागत है। काली नाग के डसने से इंसान की मौत हो सकती है, लेकिन एक मंदिर का पुजारी खतरनाक सांपों के साथ खेलता ही नहीं बल्कि उनके साथ सोता भी है, जिस वजह से पुजारी विषधारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। औरैया जनपद के ओसरी गांव में मंदिर का पुजारी खतरनाक काले नागों के साथ अजीबोगरीब ढंग से रहता है। जिन खतरनाक सांपों के जिक्र भर से इंसान कांप उठता है, उन्हीं खतरनाक व विषधारी सांपों के साथ रहना और सोना किसी बड़े रोमांच से कम नहीं। विषधारी सांप जिस प्रकार पुजारी के शरीर पर लौटते हैं वह अपने आप में एक अनोखा रोमांच है। पुजारी के मुताबिक ईश्वर भक्ति में लगकर मनुष्य भयमुक्त हो जाता है और यही वजह है कि इन सांपों से डर नहीं लगता। घटना साक्षात मैंने शंकर जी का तो दर्शन किया, इसलिए मेरा भाव जागृत हो गया और मैं ईश्वर की आस्था में लगा हुआ हूँ। और जहाँ भी हमको सर्प मिलता है, जो भी खबर देता है, तो मैं पकड़ के मंदिर में ही अपने रख लेता हूँ। बाबा को खतरनाक सांपों के साथ रहते देखकर पूरा ओसरी गांव ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले सभी क्षेत्रवासी हैरान हैं। ग्रामीण बताते हैं कि बाबा जब से इस मंदिर में आए हैं तब से आज तक सांपों के साथ ही रहते हैं और बाबा इन्हीं सांपों के साथ ही ज्यादातर समय बिताते हैं। सांपों के साथ ही बचपन से ही अपना उनसे खेलना और कहीं गले में डालना बचपन से ही है इनके। जिन जहरीले सांपों को देखने भर से इंसान सिहर उठता है, वहीं इस अजीबोगरीब विषधारी बाबा के लिए सांपों के साथ रहना और सोना भी सत्य है। इन खतरनाक सांपों के साथ स्नेह करने वाले बाबा को सांपों के साथ देखकर यहां आने वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं। TV7 के लिए औरैया से रमाकांत मिश्रा। हिंदू जागरण मंच द्वारा देशभक्ति एवं धार्मिक गीत गायन प्रतियोगिता 18 सितंबर को आयोजित की जाएगी। हिंदू जागरण मंच द्वारा देशभक्ति धार्मिक गीत गायन प्रतियोगिता में स्वर सम्राट, स्वर कोकिला एवं स्वर रत्न प्रतियोगिता तथा एकल गीत गायन प्रतियोगिता होगी। दिनांक 18 सितंबर को हिंदू जागरण मंच शामली द्वारा राजा रानी विवाह मंडप में एक गीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, जिसमें 3 प्रतियोगिता की जाएंगी। प्रथम, जो कोई भी नए कलाकार अपने आप को कुछ साबित करना चाहते हैं, उनके लिए फ्रेशर एकल गीत गायन प्रतियोगिता होगी, जिसका ऑडिशन 18 तारीख को सुबह 8 बजे राजा रानी विवाह मंडप पर होगा। द्वितीय, स्वर सम्राट स्वर कोकिला प्रतियोगिता, इसमें जो कोई भी प्रतिभागी किसी भी प्रतियोगिता में किसी भी संस्था द्वारा प्रथम या द्वितीय घोषित किए गए हैं वे भाग ले सकते हैं, कोई भी स्टेज कलाकार इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। तृतीय प्रतियोगिता, स्वरत्न प्रतियोगिता, जिसमें कोई भी स्टेज कलाकार या अब तक कोई भी हमारी संस्था द्वारा स्वर सम्राट या स्वर कोकिला घोषित किया गया है वो भाग ले सकता है। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि श्री हुकम सिंह जी,
और श्री रविशंकर जी, श्री अजय प्रभा जी रहेंगे, जज महोदय बाहर से आएंगे और प्रतियोगिता का आयोजन दोपहर 1:30 बजे राजा रानी डॉक्टर किया जाए। शामली नगर पालिका परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सलीक चंद संगल शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इन्हें शामली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का संभावित भावी प्रत्याशी माना जा रहा है। नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन सलीक चंद संगल ने शुक्रवार को रेलवे रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश भर में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच चल रही चुनावी तैयारियों के दौर में सलीक चंद संगल का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना भाजपा के टिकट पर दावेदारी का संकेत है। सूत्रों का कहना है कि शामली विधानसभा सीट पर अभी राजनीतिक दलों द्वारा जाट कार्ड खेले जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी किसी गैर जाट को चुनाव लड़ाकर चुनावी मुकाबला सीधा करने के सुझाव पर विचार विमर्श कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में शामली विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाने को लेकर ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग के नामों पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन ब्राह्मण वर्ग से कोई दमदार नाम सामने न आने पर वैश्य वर्ग का प्रत्याशी उतारे जाने पर गंभीरता के साथ विचार विमर्श चल रहा है। शामली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष पद के चुनाव में सलीक चंद संगल ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मैदान मारा था, उसके चलते भाजपा संगठन उनके नाम पर गंभीरता से विचार विमर्श कर रहा है। मैं विजेंद्र पाल, जिला महामंत्री हूँ और शामली क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रभारी हूँ। आज जैसा कि आपने अभी माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि सलीक चंद संगल जी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे प्रदेश में जनाधार बढ़ा है उसी की कड़ी में एक नया अध्याय शामली में जुड़ा है। क्योंकि आज जनता पूरी तरह से त्रस्त है कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, विकास ना होने के कारण, तो भारतीय जनता पार्टी परिवार में निरंतर अच्छे अच्छे लोगों की बढ़ोतरी हो रही है। ये आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का और इंगित करती है और मैं अपनी ओर से सलीक चंद संगल जी को बधाई देता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए। जय हिंद, जय भारत। अपनों ने छोड़ा दामन, गैरों ने अपनाया। कहते हैं अपने बच्चों के लिए एक माँ अपना सब कुछ छोड़ सकती है, पर कुछ माता पिता सब कुछ पाने के लिए अपने बच्चों को ही छोड़ गए और इन मासूमों की परवरिश की है एक ममतामयी विदेशी माँ मैक्सी शिपले ने। चंपावत जिले के बनबसा क्षेत्र में स्थित स्टॉम फार्म आज उन मासूमों का घर बन चुका है जिन्हें अपनों ने छोड़ दिया। यहाँ इन बच्चों की देखभाल विदेशी दंपति अपने बच्चों की तरह कर रहे हैं। उन्होंने उनकी हर खुशी और गम को अपना बना लिया है। हिंदुस्तान की सरजमी पर पैदा हुई मैक्सीन को मानवता की प्रेरणा अपने पिता से मिली। अपने पिता की मौत के बाद मैक्सीन ने विदेश छोड़कर इस फार्म में इन अनाथ बच्चों के साथ अपना जीवन जीने का फैसला किया और मैक्सीन के इस फैसले में साथ दिया उनके पति ने। मैं 4 साल थी जब हमारा डैडी इस काम को शुरू किया और हमारे दिल बहुत ही है इसमें। जब हम लोग वहाँ, हमारा ससुराल ऑस्ट्रेलिया में है, हम तो वहाँ गया, तब उसके बाद मेरा पिताजी ख़त्म हो गया। तब मैंने सुना कि ये बच्चा लोग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमारा डैडी चले गया, और किसी ने हमको बुलाया, बोला आप वापस आइए इन लोग को बचाने के लिए। तब मैंने 24 years का हो गया, तो मैं सोच रही थी कि हमारा लाइफ में क्या करना चाहिए, तो इधर उधर से बेबी ले आते थे और यहाँ ले आते। जब हमारे पास 5 बेबी था तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तब हम लोग ने नर्सरी बनाया और नर्सरी तो डिजाइन किया 6 बेबीज के लिए। स्टॉर्म फार्म में खेल रही ये मासूम आज इस बात से अनजान है कि पैदा होते ही उनके माता पिता उन्हें ऐसे अनाथ की तरह क्यों छोड़ गए। आज यही बच्चे अपने माता पिता के रूप में शिपले दंपत्ति को देख रहे हैं और उनका भगवान के समान आदर भी करते हैं। मुझे नहीं पता जब कब आए हम जहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है फार्म में। क्या क्या अच्छा लगता है? खेलने के लिए अच्छा लगता है और जहाँ सब भाई बहन की जैसे रहते हैं। मेरे पास 2 भाई हैं यहाँ पर और अंकल एक आंटी मैक्सिन हमारे मम्मी पापा की जैसे लगते हैं। हमें चीज ला कर देते हैं खाने के लिए,
और हम सुबह से शाम तक खेलने अच्छा लगता है हमें। क्या बनना चाहते हो? हम बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर बनने चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब यहाँ आई और कैसे आई, पर लेकिन हमें यहाँ लाया गया है आंटी और अंकल से, और हम यहाँ आए इसलिए कि ताकि हम लोग यहाँ पढ़ाई करें और अच्छे से रहें और प्यार से हम लोग आंटी अंकल के साथ रहें। इसी फार्म में अनाथों की तरह पली बढ़ी प्रिसिला आज शिपले परिवार की बहू बनने जा रही है। इस शादी से प्रिसिला आज अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही है। तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरी शादी क्लिफ्टन से होने वाली है और आगे में मैं मेरी सास ससुर के साथ इन बच्चों को देखभाल करूंगी। भारतवर्ष पर कभी इन्हीं गोरों का राज था जिन्होंने जुल्म की इंतहा का मंजर दिखाया, वही गोरे आज भारतीयों को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। टीवी 7 के लिए चंपावत से प्रकाश चंद्र जोशी। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।